सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और अभी आप देख सकते हैं ये है द ऑल न्यू विटारा ब्रेजा और ये ZXi वेरिएंट है, मतलब कि पेट्रोल वेरिएंट है और सेकेंड टॉप है। इसके टॉप मॉडल को ZXi प्लस बोलते हैं और अभी आप देख रहे हैं इसका ZXi वेरिएंट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि ब्रेजा में जो फ्लोर लेमिनेशन होता है वो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो आज मैं इसी का पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ और इंस्टॉल होने के बाद ये गाड़ी का जो लुक है, इंटीरियर का कैसा आता है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और आपको कुछ भी क्वेरीज होंगी तो बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर्च करें प्रकाश महंत। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके जो प्राइसिंग है उसकी। तो ये हमें भैया ने इंस्टॉल करके दे रहा है 1500 रुपीस में। और अभी देख सकते हैं सारे सीट्स निकाल दिए जा चुके हैं और वैक्यूम से क्लीन किया जा रहा है अंदर को, और रियर सीट निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता, बस रियर सीट के जो नीचे वाला सीट होता है उसे निकालना पड़ता है। देख सकते हैं ये वाला सीट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और साइड के जो पैनल्स हैं अंदर के वो भी कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं, देख सकते हैं आप। फ्लोर लेमिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हर गाड़ी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो मैटिंग रहता है, कभी आप गाड़ी को जब वॉश कराते हैं तो उस मैटिंग को भी वॉश किया जाता है, तो वो कभी कभी हल्का सा पानी सूखा नहीं होता है। तो अंदर आप अगर वो मैटिंग को डायरेक्टली रखेंगे तो मैटिंग का जो पानी है वो कहीं ना कहीं से नीचे चला जाता है और जो गाड़ी के अंदर जो कपड़ा लगा होता है कंपनी से फिटेड वाला, वो कहीं ना कहीं भीग जाता है, फिर स्मेल करता है या फिर वो अपनी नीचे में पकड़ छोड़ने लगता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये देख सकते हैं यही है फ्लोर लेमिनेशन, इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो धूल वगैरह है वो भी यहीं पर रुक जाता है, जो भी हल्का फुल्का पानी वगैरह है वो भी रुक ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एक्सेसरीज है ये गाड़ी कोई सी भी हो, हमें ये लगाना ही चाहिए। ये देख सकते हैं अब इस तरीके से लगाया जाता है इसे। और अब देख सकते हैं पूरा इसे इंस्टॉल कर दिया जा चुका है, अच्छे से इसे बैठा दिए और सीट को इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है जैसे कि हमने निकाला था, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर वायरिंग के लिए भी अलग से कट करके वायर को निकाल दिया जा चुका है, जो वायर सीट के नीचे में लगाई जाती है, देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों सीट को वापस से इंस्टॉल किया जा रहा है।